नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ के बारे में सर हम डिटेल में बताएंगे सर आप? आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जी या जिसको हिंदी में जिसको कह रहे हैं मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। जी सर, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके नेचुरल वे में कंसीव नहीं होती पेशेंट, तो उनके यदि शादी होने के बाद में यदि 1 से 2 साल में यदि पेशेंट यदि कंसीव जी नहीं होती तो उसके बाद में ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट ही होना है उनका। क्या सर ये मेल फर्ट इनफर्टिलिटी हो सकती है सर? मेल में इनफर्टिलिटी होती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि कोई मेल के अंदर ही इनफर्टिलिटी हो, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। अभी चूंकि मेल में इनफर्टिलिटी है तो पहले डिटेक्ट करें, जैसे उसका पहले उसका पेशेंट आता है तो उसका पहले सीमन टेस्ट किया जाता है उसका, जी तो सीमन टेस्ट में पहले उसमें देखेंगे उसके अंदर स्पर्म है कि नहीं है, जी ठीक है। और इसके अंदर यदि स्पर्म यदि नहीं है तो उसके बाद में हम उसका एक दूसरा टेस्ट और भी करवाते हैं। कई बार क्या होता है कि स्पर्म अंदर तो बनते हैं लेकिन जी वो किसी कारणवश बाहर नहीं आते, जो ट्यूब ब्लॉक होती है या कुछ भी होते, तो इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाते। तो ऐसी सिचुएशन में अंदर हम जो है उनका एक हार्मोन टेस्ट होता है जिसको हम FSH बोलते हैं, तो वो टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट करवाने के बाद में यदि उसकी नॉर्मल वैल्यू 5 से 15 के बीच में यदि उसकी वैल्यू होती है तो उसके अंदर ये है कि उसके अंदर स्पर्म अंदर तो बन रहे हैं लेकिन जी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो टेस्टिज होते हैं उन टेस्टिज के अंदर जहाँ से स्पर्म बनते हैं वहाँ से स्पर्म को हम निकाल करके और के अंडे हैं उनको बाहर निकाल के जी और उन स्पर्म के साथ में उसको फर्टिलाइज कराया जाता है। हमारे पास में इक्सी मशीन है, इस इक्सी मशीन की सहायता से जी जो है एक एक स्पर्म को लेकर के और एक एक अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है। अगर सर मेल इनफर्टिलिटी हो और जो आप हार्मोन टेस्ट कराते हैं वो अब नॉर्मल आता है तो फिर क्या करते हैं सर? वो तो जैसे अबनॉर्मल यदि आ रहा है, अबनॉर्मल है तो वो तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जैसे अपने कोई घर में भी कोई चीज नहीं होती तो वो जाहिर सी बात जी है बाहर से है, तो जी ऐसी ऐसी हालत में जो है बाहर से ही स्पर्म लिया जाता है। जी वो सर्टिफाइड जो सीमन बैंक है उनसे ये सैंपल आते हैं जी और उनके साथ में फिर उनको फर्टिलाइज कराया जाता है। सर, ये फीमेल में भी हो सकती है इनफर्टिलिटी? फीमेल में भी हो सकती है, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है कि वे मेल में है, क्योंकि जी ये भी रेशियो यदि देखें तो 40% जो है मेल इनफर्टिलिटी एंड 40% फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, और 20% में है वो दोनों इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जी सर, सर एक अगर हम कहते हैं अगर टेस्ट ट्यूब से अगर हम बच्चा आईवीएफ करवाते हैं उसमें और नॉर्मल बच्चे में कुछ डिफरेंट भी रहता है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता है वो सीधे। इसमें लोग ये समझते हैं कि कोई बाहर से कोई बच्चा हो गया, वैसे जी बाहर से कोई बच्चा बच्चा नहीं होता, मतलब उसी लेडीज के अंडे अंडे होते हैं और उसके हस्बैंड के स्पर्म होते हैं, उन दोनों को जो नेचुरल वे में है प्रोसेस नहीं हो रही है उस प्रोसेस को हम या लैब के अंदर मतलब भ्रूण तैयार करके, जी और ये हमारा इंक्यूबेटर है इसके अंदर सेम वैसे ही कंडीशंस रहती है जी जैसे कि औरत के गर्भाशय में जैसे होती है सेम वैसे ही इसके अंदर होंगे। जी तो उसके और अमूमन औरत के जो है वो 3 से 4 अंडे हैं वो बनते हैं, लेकिन हमें ये जरूरी नहीं है कि वो 3 से 4 अंडे अच्छी क्वालिटी के हों, इसलिए उसके लिए उसके हार्मोन्स के कुछ इंजेक्शन लगाए जाए जिससे हमें जी 10-12 ओसाइट उससे मिल जाए, और जो गुड क्वालिटी के ओसाइट हों उस साइट को लेकर के और उनके जेंट्स के स्पर्म को लेकर के और उनको फर्टिलाइज कराया जाता है। फिर 2 से 3 दिन का जब भ्रूण तैयार हो जाता है फिर उसके बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाती है। वैसे ही नॉर्मल जैसे कंसीव होती है जी उसी तरह का वो है, उसी तरह से वो पूरा 9 महीने का टाइम लगेगा, उसी तरह से डिलीवरी होगी, सारा प्रोसेस उसी तरह का है। जी